हेलो एवरीवन, बेस्ट राउटर, बेस्ट बजट राउटर, राउटर बहुत जरूरी चीज होगी आज के टाइम में। इस प्राइस कैटेगरी में जो कि 1000 से 1500 के बीच में है, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ऐसा राउटर जिसकी ब्रांड एक तो काफ़ी टाइम से नंबर वन चल रही है और इजी टू सेटअप होते हैं, 3 ईयर्स वारंटी मिलती है, सारा कुछ बताऊंगा। इसके सिंगल बैंड भी आते हैं, ड्यूबल बैंड भी आते हैं, तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो सबसे पहले करेंगे अनबॉक्सिंग। कुछ इस तरह का बॉक्स है, तो अपने बुला लिया जाए अनबॉक्सर, अनबॉक्सिंग भैया जी के जो औजार हैं, छोटा सा औजार ये, और एक खुल यार ये इसका हैबर लटक जाता है यार। टीपी लिंक AC750 वायरलेस राउटर। अब मैं इसको फोकस कर रहा था, ड्यूअल बैंड पीछे सोच देता था कि फोकस कर ले। ये ड्यूअल बैंड यानी कि 2.4 GHz एंड 5 GHz, ठीक है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मेरे को शायद डिस्काउंट के बाद 1200 रुपये पड़ गई होगी, तो उस टाइम में ये चीपेस्ट था। और यही सेम राउटर यूज़ हो रहा था मल्टीपल मेरे फ्रेंड लोकेशंस पे, क्योंकि मैंने जब जिसको भी रिकमेंड करा है यही राउटर रिकमेंड करा है, क्योंकि इस रेट पे इतने सारे फीचर्स साथ में यही राउटर मिलता है। और टीपी लिंक को ये भी मिल रहा है, इन्होंने ये बॉक्स पे लिखा हुआ, कितने है नहीं है सच्चाई वो तो पता नहीं, बट भैया ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो ये IDC वर्ल्ड वाइड क्वार्टरली व्हील एंड ट्रैकर कोई एक है, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये नंबर वन है, टीपी लिंक वर्ल्ड नंबर वन इन वाई प्रोडक्ट फॉर कंसेक्यूटिव 9 ईयर्स, 9 साल से नंबर वन मेंटेन कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पे उन्होंने फोटो लगाई हुई है और ये बताया हुआ पूरा 433 Mbps प्लस 300 Mbps डुअल बैंड वाईफाई, उसके बाद फिर सुपीरियर चार्ज, राउटर प्लस AV प्लस RE1, यानी किसको बोलते हैं, राउटर भी बन सकता है, एक्सेस पॉइंट बन सकता है, रिपीटर भी बन सकता है, इजी सेटअप विद 3 थ्रेड। हाँ, आप से भी कर सकते हो और लैंग लगा के भी इनका थोड़ा सेटअप ज्यादा इजी रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल टीपी लिंक लिख रखा है। इट कम्स विद 3 ईयर्स वारंटी, 3 साल वारंटी के साथ में आता है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल फोटो लिखा हुआ है और सेटअप का बताया हुआ है, कैसा भी सेटअप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और फीचर्स मेंशन कर रखे हैं, पढ़ देता हूँ फटाफट। जैसे कि आप पेरेंटल कंट्रोल कर सकते हो, बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप, ये बहुत बढ़िया चीज है, आप डिवाइसेस के हिसाब से बैंडविड्थ मेंशन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज है, क्यों बढ़िया है, इसलिए क्योंकि आप कई बार चाहते हो कि यार इस डिवाइस को ना इससे ऊपर स्पीड नहीं चाहिए, और किसी रीजन से अगर कुछ मेरे को रिक्वायरमेंट है, मैं गेमिंग कर रहा हूँ या मैं कुछ एक हैवी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आप वो बैंडविड्थ डिवाइड कर सकते हो डिवाइसेस के हिसाब से भी। लेट्स आप आगे चलते हैं, गैस नेटवर्क का बना सकते हो आप, गैस मतलब गेस्ट है उसको नेटवर्क दे एक्सेस दे सकते हो। VPN है उसको पता है, बटन दबाने से एक्सेस हो जाता है, पासवर्ड जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन कर रखी है कि एंटीना 3 दे रखे हैं जो कि ओमनी डायरेक्शनल है, वायरलेस की फ्रीक्वेंसी दी है कि 433 Mbps 5 GHz पे और 300 Mbps 2.4 GHz पे। ये छोटे वाला MB होता है, इसमें याद रखना मेगा बाइट्स नहीं होता है, मेगा बिट्स होता है, इसको याद रखना। उसके बाद में इन्होंने दिया हुआ पोर्ट दे रखे हैं, हाँ भाई इन्होंने पोर्ट दिए हुए हैं पीछे, अच्छे बड़ी सी फोटो इसको कवर करेंगे। और डायमेंशन हो गया, पैकेज के अंदर क्या क्या है, वायरलेस राउटर है, पावर अडैप्टर है, RJ45 इथरनेट केबल निकलेगी, कोई इंस्टॉलेशन गाइड निकलेगी। बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। अब आते हैं पीछे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, 2 पार्ट में समझाया है इन्होंने, ठीक है। अब इस साइड में इन्होंने मेंशन किया हुआ कि राउटर मोड बना सकते हो, जो राउटर लगते हैं कि भाई सीधा यहाँ पे आप इसको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ISP से आप नेट लो, ठीक है, और इसको एज राउटर यूज करो। फिर आप इसको एक्सेस पॉइंट भी बना सकते हो कि जो इंटरनेट है डायरेक्टली आपके राउटर से किसी और राउटर से, फिर वो राउटर यहाँ तक आके एज एक्सेस पॉइंट और कनेक्ट कर लो आप, एक तरह से रेंज एक्सटेंड का ही काम होता है ये। और आप एक्सटेंडेड मोड यानी कि रेंज एक्सटेंडेड मोड अलग से डेडिकेटेड भी दिया हुआ कि इंटरनेट, उसके बाद फिर राउटर, फिर आपका ये वाला राउटर आएगा किसी और राउटर से, इस राउटर का एज ए रिपीटर मोड यूज करके ये फिर रेंज बढ़ा देगा। तो 3 मोड इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब आ जाते हैं राइट साइड में, जो इन्होंने यहाँ पे फोटो बैक साइड का मेंशन किया हुआ है, कुछ इस तरह का दिखता है राउटर, अभी बॉक्स में अंदर अनबॉक्स भी करेंगे। और ये है इसका बैक साइड में, तो इन्होंने बेसिकली एक वैन पोर्ट छोड़ा हुआ है, इथरनेट वैन पोर्ट इनकी है। अगर आप कॉपर वायर कनेक्शन लेते हो, फाइबर नहीं लेते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ लग जाएगा, लेकिन अगर आप फाइबर लेते हो तो पहले फाइबर का लाइन आएगा, फाइबर का लाइन उनका एक उनका डिवाइस होता है OLM कुछ तो था यार, भूल गया अभी, वो डिवाइस होता है, उस डिवाइस में उस फाइबर कनेक्शन को वो कन्वर्ट करते हैं एक नॉर्मल सिग्नल में, दैट फाइबर कनेक्शन को ऐसे वैन में कनेक्ट करते हैं। लेकिन आजकल XITEL कर रहा है, एक ही बना रहा है, ठीक है, इस तरह का राउटर जिसमें सीधा फाइबर लग जाता है, तो वो दोनों का काम करता है। लेकिन कुछ अभी भी है ट्रिपल प्ले जैसे, जो वो डिवाइस अलग देते हैं, फिर उस डिवाइस से इथरनेट का केबल निकलता है, वो आपका यहाँ ब्लू में लग जाएगा। फिर आप लैन के थ्रू 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, 4 डिवाइसेस बाय योर लैन केबल। ये सिंपल पावर स्विच, फिर एक रीसेट स्विच और ये पावर अडैप्टर, और 3 आपके एंटीनास। 2 BHK हाउस के लिए बहुत सही है,
थोड़ा वो 3 BHK में भी चल सकता है, हो सकता है आपको एक ये और एक छोटा वाला रेंज एक्सटेंडर लेना पड़ेगा अगर आप 3 BHK में हो, वो तो टेस्टिंग करके पता लगेगा। लेकिन अब इतना लंबा बोलने के बाद, डब्बे में से कुछ गिनवाने के बाद इसकी अनबॉक्सिंग अभी भी रुक गई, ये चला ही छोड़ रखा है। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी, देखते हैं कि भैया यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉस्मेटिक सीन तो नहीं मचा रखा उसकी तरह में। और फिर इसके एक मैंने ड्यूल बैंड ही क्यों चूज करा, फिर अनबॉक्सिंग में उसके बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया मामला। अरे यार रुको 1 मिनट, इसको ऐसे हटाऊं पहले मैं। ये इसको बाद में डाल देंगे डस्टबिन में। हाँ आ गया राउटर, डब्बे हटा देते हैं। तो जैसा इन्होंने बोला था ये वैसे ही कर रही हैं, पैकेजिंग कंडीशन सेम है। तो एक पावर ब्रिक है, एक पावर ब्रिक है, सिंपल पावर ब्रिक, सही लग रही है, बिल्ड क्वालिटी लाइट वेट से है, ठीक है। उसके बाद में आपका राउटर, अभी इसको साइड में रखते हैं। एक ईथरनेट केबल इन्होंने इस बार व्हाइट दी है, वाओ। नॉर्मली ये ब्लैक कलर की या ग्रेइश या येलो होती थी, येलो बहुत चलती थी, येलो तो मैंने हर जगह देखा, मेरे ऑफिस में येलो भर भर के थी, इन्होंने इस बार व्हाइट कलर दी है। और जनरल पब्लिक नोटिस कुछ कोई नहीं पढ़ता जो, और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड ये भी नहीं पढ़ने वाले, राउटर तो बहुत सेट करें ईजी चीज है। ये यहाँ पे मेरे को चाहिए होगी बिकॉज मैं अपने इससे ये तो कनेक्ट होना ही होना है, और एक एक्स्ट्रा भी कभी कभार ऑफिस का लैपटॉप भी रख लेगा यहीं पे ही, तो भी डेड लाइन चला तो बढ़िया रहेगा, तो वो भी यहीं रख लेंगे। और आ जाते हैं अब राउटर पे। तो हीट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने काफी अच्छा किया हुआ है, ये ग्रूव्स देखो आप काफी छोटे हुए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसमें भी दिखा देता हूँ देखो, ये जो ग्रूव्स छोटे हुए इतने सारे, ये हीट मैनेजमेंट के लिए बढ़िया है। तो पूरा क्योंकि ना राउटर भी हीट करते हैं, 900 चलाया जा रहा राउटर, राउटर भी हीट करते हैं। एक ये प्रोटेक्शन सी लेयर दी हुई है, एक ये प्रोटेक्शन की लेयर दी हुई है, ठीक है। इसको अभी तो नहीं हटा रहे, जरूरत नहीं हटाने की, बट ये दिखा देता हूँ मैं हटा के। यहाँ पे इन्होंने ये लाइटें यहाँ ब्लिंक करेंगी जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जैसा बताया था वही 3 एंटीनाज। तो ये एंटीनाज आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो ऐसे, और ऐसे सीधे स्ट्रेट हो सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। और ये डीअटैचेबल कुछ राउटर्स में आते हैं जो डीअटैचेबल होते हैं, ये फिक्स है, ये हटा नहीं सकते आप। और अब बात कर लेते हैं बैक साइड पे, जैसे मैंने बोला था एक वैन पोर्ट, 4 LAN पोर्ट, एक ये VPS बटन, उसके बाद यहाँ पे अंदर रीसेट बटन, पावर बटन, ये अभी ऑन है, ये अभी ऑफ है, और आपका पावर अडैप्टर का पॉइंट। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, देखो फ्लेक्स नहीं है बॉडी में, नई चीज होते बंदे ना ये क्वालिटी। यहाँ पे भाई 9 साल से कह रहे हैं कि अगर हम नंबर चल रहे हैं तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी करी हुई है, हल्का सा फ्लैक्स है बिल्कुल, ठीक है। और एंटीनास भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मेरे को, आवाज़ कहाँ चाहिए इसकी आवाज़ होगी, इसको हटा के करें तो हाँ कोई साउंड नहीं है। ये था टीपी लिंक का AC750 वायरलेस राउटर, विच इज अ ड्यूअल बैंड की बात करते हैं। ड्यूअल बैंड क्यों लिया गया, देखो मैं अभी अपना सब कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ Mi 11X से, तो ड्यूअल बैंड में जो 5 GHz वाला बैंड है ना उसकी रेंज कम होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है ट्रांसफर की वायरलेस ही बहुत होती है। तो मैं अगर मेरे को अपने लैपटॉप से कुछ डेस्कटॉप में कॉपी करना है, पर्सनल लैपटॉप से कुछ कॉपी करना है डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप से कुछ पर्सनल लैपटॉप में डालना है, मेरे को मोबाइल जितनी भी क्लिप्स में अभी बना रहा हूँ ये भी इवन दो, अगर मैं चाहूँ तो 5 GHz के थ्रू जल्दी कर सकता हूँ ट्रांसफर, तो मेरे को बार बार केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन दो अगर मैं इसको ऐसा वेब कैम यूज करूँ कल को स्ट्रीमिंग में, तो भी मैं वो कर सकता हूँ 5 GHz के हेल्प से, 5 GHz फास्ट रहेगा। तो दैट्स वाई आई चोज 5 GHz, इसीलिए मैंने 5 GHz लिया। अगर आपका भी बजट 1500 तक का है, आप भी ड्यूअल बैंड रखो, आप भी मल्टीपल फाइल्स ट्रांसफर करते हो यहाँ से वहाँ, तो आप ड्यूअल बैंड जाओ। अगर आपका फाइल ट्रांसफर का कोई सीन ही नहीं है, आप घर पे 100 Mbps तक का कनेक्शन है, 50 Mbps का कनेक्शन है, तो आप एक सिंपल सिंगल बैंड ले सकते हो, जो कि एक ब्रांडेड टेंडा, उसके बहुत अच्छे बनते हैं, और टीपी लिंक के भी नो डाउट आते हैं सिंगल बैंड के। तो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, सॉरी मैं तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन छोड़ दूंगा, टेंडा का भी सिंपल राउटर, टीपी लिंक का बिल्कुल सिंपल सिंगल बैंड राउटर, और टीपी लिंक का ये वाला जिसके मैंने वीडियो अनबॉक्स करी है, ऑब्वियस बात है इसका तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन छोड़ दूंगा। अभी चल रही है दिवाली सेल, आज जो है डेट वो है
31 अक्टूबर। अब मैं इसको यार कब तक एडिट कर पाऊंगा, आई डोंट नो। कोशिश तो रहेगी जल्दी जल्दी कर दूं। तो आप इंस्टेंट कैशबैक भी अवेल कर सकते हो पर्टिकुलर कार्ड्स के थ्रू, तो फ्लिपकार्ट पे कभी SBI का, अभी फ्लिपकार्ट पे ओवरऑल पूरे अक्टूबर के अंदर SBI पे ऑफर आ चुका है, HDFC पे ऑफर आ चुका है, एक्सिस बैंक पे ऑफर आ चुका है। वही 3 कार्ड में भी रिपीट हो जाए तो कार्ड आप अरेंज कर सकते हो किसी फ्रेंड को बोल के। तो ये थी एक सिंपल सी अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू, इसकी टेस्टिंग, इसका क्विक सेटअप वगैरह। जब नेट लगेगा उसका एक मैं वीलॉग बनाऊंगा पूरा, वो आ जाएगा उस वीलॉग के अंदर। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। लाइक कर दो वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगी ये अनबॉक्सिंग, और अगर आपको भी यही सेम आउटर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो जो लिंक है वो एफिलिएट लिंक नहीं है, अभी तक मैंने किसी भी वेबसाइट पे कोई एफिलिएट के लिए रजिस्टर नहीं किया है। तो वीडियो एंड करते हैं यहीं पे, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इट्स योर बजट गुरु रवि डागर साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, प्ले वीडियो गेम्स, बाय।